हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, जी हाँ सही पढ़ा आपने कि जो दिखता है वही बिकता है, यही मार्केट का रूल है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिके तो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में हमेशा दिखते रहना चाहिए। और अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आधा काम तो आपकी कंपनी ही कर देती है, मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी और कंपनी के बारे में कंपनी खुद ही खर्चा करती है। फ्रेंड्स, कंपनी टीवी, इंटरनेट, होल्डिंग, मीडिया में ऐड देती ही रहती है। बस आपको आधा काम करते रहना है, जैसे आपको अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने सस्पेक्ट को समय समय पर दिखते रहना है। फ्रेंड्स, चाहे वन टू वन मीटिंग हो, फैमिली फंक्शन हो, फेस्टिवल मीटिंग हो, या सोशल मीडिया या मैसेजेस हो, या आप टेलीफोनिक कॉल के थ्रू या आप ईमेल करते हो, आप उनको दिखते रहना चाहिए। यही फॉर्मूला है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी शॉप में जाइए या मॉल में जाइए, हर जगह आपको शोकेस लगे मिलते हैं, आते जाते हर इंसान की नज़र उन पर ज़रूर पड़ती है। तो फ्रेंड्स, बताइए कि आपका प्रोडक्ट यानी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ है? आपके मन में, आपके दिमाग में उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके बैग में हैं, पर आप मुंह खोलेंगे नहीं, किसी से बात करेंगे नहीं, तो पॉलिसी कैसे बिकेगी? कई बार डर लगता है कि कहीं सामने वाला ना बोल दे। अरे बोल देगा तो बोल देगा, दुनिया में लोगों की कमी है क्या? और लोगों से मिलिए, उनसे बात करिए। तुम नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, यही फॉर्मूला हमेशा अपनाते रहिए और लोगों से मिलते रहिए। देखिए, हिचक सब एजेंट को होती है। सभी एजेंट सोचते हैं पता नहीं हाँ होगी या ना होगी, पर हाँ या ना के लिए पहले आप क्लाइंट से पूछिए तो सही। उनके मन ही मन में आप डिसाइड कर लेते हैं कि ना ही होगी। फ्रेंड्स, आपने तो लड़ने से पहले ही खुद को सरेंडर कर दिया। जब भी आप पूछने में शर्म या हिचक महसूस करते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को याद करिए। फ्रेंड्स, आप चाहे कितने भी सफल एजेंट हो, कितना भी ज़्यादा रिन्यूअल कमीशन आपके पास आता हो, पर रोज यही सोचिए कि मैं आज कुछ ना कुछ जरूर फ्रेश प्रीमियम कलेक्ट करूँगा। अगर नहीं किया तो बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, माँ बाप अपनी सारी ज़रूरतों के लिए आप पे उम्मीद लगाए बैठे हैं। फ्रेंड्स, आप अपनी हर सेल को अपने इमोशंस के साथ जोड़िए, क्योंकि ये पूरा खेल ही इमोशंस का है। अगर आप इमोशन से चलते हैं तो आपकी सेल पक्का होगी। एक सोल्जर सरहद पर अपनी जान दे देता है केवल इमोशंस के ही कारण। वह हमेशा यही सोचता है कि उसे अपने देश को हर हाल में, हर कीमत पर बचाना है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इसी तरह से अपनी सेल में आपको कोशिश करना है कि अपना 100% एफर्ट डालिए। सोच के देखिए, एक छोटा सा बच्चा रोता है, माँ को बुलाता है, माँ अपने घर के सारे काम में बिजी होती है तो बच्चे को टॉय देकर बहलाती है, पर थोड़ी देर में बच्चा फिर रोना शुरू करता है और तब तक चुप नहीं होता जब तक माँ उसके पास नहीं आ जाती। और आप हैं कि आप एक ना सुनते ही चुप हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग ना बोलते हैं उनको एक अलग लिस्ट में शामिल कीजिए, उन्हें महीने या दो महीने बाद कॉन्टैक्ट कीजिए। आप मन में बैठा लीजिए कि अगर आपने प्लान शो किया है तो उसका बिकना तय है। बस आपका टैलेंट इतना है कि आप उसे एक दिन में बेच पाते हैं, एक महीने में बेच पाते हैं, या एक साल में बेच पाते हैं। और हर काम के लिए समय लगता है, आपको पेशेंस रखना होगा, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। जैसे कि आप कोई बीज बोते हैं तो उसका पेड़ बनना तो निश्चित है, बस आप उसे समय समय पर पानी देते रहें। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। और आज ही आप एक पॉलिसी सेल करिए और शाम को हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कौन सी पॉलिसी सेल की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।